its minimum price. 1% 13 lari. 1% 13 lari. हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अवलाबारी, तो वहाँ पे एक मैदान मार्केट है, तो वहाँ पे जाके अपन वहाँ पे जो चीज़ें मिलती है वो हैंडमेड चीज़ें सारी, और वहाँ उसके पास में एक चर्च है और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे जाके वहाँ की जगह के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ नवीन और मनीष दोनों ट्विंस है, तो चलो चलते हैं। बस आ रही है, दो स्टॉपेज में बस आ रही है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे जाके सब चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जिन्होंने चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये बस आ चुकी है अपनी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी सही सिस्टम है, और यहाँ पे जो है सारी बस एयर कंडीशनर है, तो आपको गर्मी में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली अवलाबारी। यहाँ पे आने के लिए आप या तो मेट्रो ले सकते हो या फिर डायरेक्ट बसेस भी यहाँ पे आती है। मेट्रो के लिए आपको यहाँ पे या तो अवलाबारी मेट्रो स्टेशन पे आप उतर सकते हो या फिर लिबर्टी स्क्वायर उतर सकते हो। तो वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे ये अवलाबारी का ये जो पॉइंट है वो है, और यहाँ पे काफ़ी कैफे बार्स और रेस्टोरेंट और होटल्स भी है, तो आप यहाँ पे आके आराम से जो यहाँ का जॉर्जिया का जो लोकल फूड है उसको आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो आप वहाँ के खाने का भी मज़ा ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट्स है, जैसे मेकेथी टेम्पल्स हो गया, दारेजिन पैलेस, ट्रिनिटी चर्च है, तो आप यहाँ पे आके आराम से उन जगहों को आराम से घूम सकते हो। काफ़ी प्यारी प्यारी जगह अवलाबारी में है। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स वगैरह इन्होंने लगा रखी है रोड पे, तो आप यहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हो। साथ ही ये स्पेशली टूरिस्टों के लिए है जो बाहर से आते हैं उनके लिए। ये अवलाबारी का नज़ारा है, ये एक ऐसा एरिया है तिबलिसी का सबसे ओल्डेस्ट एरिया है, यहाँ पे आपको टूरिस्टों का आना जाना सबसे ज़्यादा लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे हर कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, और सबसे जो उनका जो फर्स्ट पॉइंट होता है देखने का वो यहाँ पे अवलाबारी का होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको वो सामने पीसो ब्रिज है, तो एक ये हीलियम का गुब्बारा है, तो यहाँ से आपको ये जो रोप वे दिख रहा है तो वो पीसो ब्रिज से स्टार्ट होता है और वहाँ पर मदर ऑफ जॉर्जिया तक जाता है। तो इसका जो प्राइस है वो आपको दो लारी का लगेगा। तो ये सिटी टूर के लिए विंटेज टाइप कार है, तो यहाँ से आप जो भी तिबलिसी के जो पास के जो साइट सीन्स है उनको कवर कर सकते हो, और जो इसका प्राइस है वो 50 लारी है। ये सिटी टूर की बस है जो आपको पूरे तिबलिसी में घुमाएगी, इसका प्राइस अप्रोच कितना नवीन प्राइस है? सो हाउ मच लारी कॉस्ट यू कैन पे? 72 लारी। तो इन विच पैलेस इन तिबलिसी? रोम में लिए सादारी से चावी दे तो इनका कहने का मतलब ये है कि 70 लारी का टिकट है, और ये आपको जो भी तिबलिसी के साइड सीन वगैरह है वो आप सारे आपको सारी जगह घुमाएगी। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो टिकट अगर आप परचेस करते हो तो वो 24 आवर्स एक्टिव रहेगा, तो वो आप एक बस से दूसरी बस में भी चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको यहाँ का जो मैदान मार्केट है उसके बारे में बताते हैं। ये मैदान मार्केट है, यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल जॉर्जियन वाइन है वो मिलती है, और जो हाथों से जो भी चीज़ें बनाई जाती है हैंडमेड वो सारी आपको मिलती है। तो चलो चलते हैं, ये पूरा मैदान मार्केट है, यहाँ से एंट्री होती है। मैदान बाज़ार का खुलने का टाइम मॉर्निंग के 10 बजे से इवनिंग के 10 बजे तक रहता है, और ये एक ऐसा पैलेस है जो इंसान जो टूरिस्ट पुराने चीज़ों का शौक़ रखता है उसको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेगी, और ये जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है यहाँ पे जो
पुराने जमाने के जो चिन्ह थे, जो जो इंसान किसी वस्तु को प्रिजर्व करके रखना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ से वो कलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की जो ट्रेडिशनल वाइन है उनके लिए है। और ये पूरा अंडरग्राउंड है, ये क्लोथ्स वगैरह है। ये परफ्यूम है, कामर जोबा, कामर जो ये जॉर्जिया कंट्री का फ्लैग। ये सारी वाइन से इन्होंने इनको कपड़े पहना रखे हैं भाई, ये तो वाइन है। दिस इज वाइन राइट, इट्स फॉर कॉस्ट्यूम्स फॉर वाइन, कॉस्ट्यूम्स फॉर वाइन ओनली। भाई ये वाइनों के कपड़े हैं, उनको भी कपड़े पहना रहते हैं। ये सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, ये जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी बंदा बाहर से आता है तो यहाँ पे जो भी पैसे कम कराने की जरूर ट्राई करना, बार्गिंग जरूरी है, क्योंकि ये क्या टूरिस्ट समझ के अपन को जितना भी अपना लूटने की ट्राई करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये यहाँ की जो ट्रेडिशनल वाइन है ये सारी है जॉर्जियन ट्रेडिशनल वाइन, ये यहाँ की सबसे खतरनाक चाचोकल बनाते हैं, बियर वाइन्स वगैरह है। ये सारा वाइनों को स्टोर करने के लिए जो रखा हुआ है वो है, और इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ ग्रेप्स चाचा, जो है कि वाइन का नाम है, पीच चाचा, सारी चाचा के नाम पे है, चाचा बदमाश है। ये सारी वाइन्स की आइसक्रीम है, discount for us if we can go. बंदे के 50 लारी, मनीष भाई एक बंदे के 50 लारी और डिस्काउंट करके वो कितना बोल रही थी, 140 लारी के आसपास बोल रही थी। तभी मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो कोई टूरिस्ट वगैरह आता है तो उसको बार्गिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या ये टूरिस्ट वगैरह समझ के ना ज़्यादा प्राइस वगैरह बताते हैं, तो इस वजह से। तो ये यहाँ का ब्रिज है, और ये जो ऊपर है ये एक चर्च है, यहाँ पर आप बोट राइडिंग भी कर सकते हो, और वो बोट राइडिंग की प्राइस थी 50 लारी। उसमें आपको चाय, कॉफ़ी और चाचा जो यहाँ की वाइन है वो आइसक्रीम, हाँ तो वो आइसक्रीम के साथ थी, तो 50 लारी में ये सब इंक्लूड थे।
देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है मदुरोग जॉर्जिया जाने के लिए। यहाँ से आपको रोप वे मिलता है, अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है यहाँ का, अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट कार्ड टेप करना है, दो लारी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी और आप वहाँ पे मदुरोग जॉर्जिया रोप वे के थ्रू जा सकते हो। ये पीसो ब्रिज है, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। ये थोड़ा रात का माहौल है इस वजह से वीडियो अच्छी नहीं आ रही, इसकी लाइटिंग चेंज होती रहती है। वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और जो नया है और जिसने वीडियो को देख लिया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए।